खंडवा के होशंगाबाद रोड स्थित बाल सुधार गृह में अपराध करने वाले विचाराधीन 22 बच्चे रहते हैं। आज सुबह दो बच्चों के बीच आपसी विवाद हुआ। यह विवाद टीवी देखने की बात को लेकर हुआ था। विवाद में दोनों के बीच लात घूंसे चले, जिसमें पेट में अंदरूनी चोट के चलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। पेट में चोट लगने की वजह से बच्चा उल्टी करने लगा, जिसे बाल सुधार गृह के चौकीदार ने तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मारने वाला बच्चा भी नाबालिग है और खंडवा का रहने वाला है। वह मारपीट के मामले में बाल सुधार गृह में रखा गया था। घटना के बाद उसने भी खुद को घायल कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कलेक्टर ने इस मामले पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मृतक बच्चे के परिजनों ने बाल सुधार गृह के जिम्मेदार स्टाफ पर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि बच्चे के सुधारने के लिए ही बाल सुधार गृह भेजा गया था, लेकिन यहाँ बच्चे आपस में मारपीट कर रहे थे, तब जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे। बच्चे की मौत होने से पता चलता है कि इस मामले पर स्टाफ कितना गंभीर होगा। परिजनों ने बाल सुधार गृह के स्टाफ पर भी हत्या का अपराध दर्ज करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारती न्यूज। तो यहाँ पे बाल न्यायालय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, आपसी में झगड़ रहे हैं और झगड़े के बाद ये सब हो रहा है, तो इन लोगों की लापरवाही है ये सब, और मुझे न्याय चाहिए इसके बारे में। कब से था आपका भाई यहाँ? यहाँ पे सर 2-2.5 महीने हो गए इसको। किस मामले में आए थे? ये 379 के मामले में, चोरी का मामला था, उसमें आया था। तो आपको क्या सूचना दी यहाँ से? यहाँ से मेरे को ये सूचना मिली सर, अभी 9 बजे बोला आपका भाई कोई किसी से झगड़ा हुआ, तो बोले झगड़े में उसकी मारपीट हो गई, बोले उसको बहुत ज़्यादा चोट आई, हॉस्पिटल में भर्ती है। और यहाँ आने के बाद सर किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। बच्चे लड़े थे सर, ये लोग सब कहाँ गए थे? उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? मुझे सर न्याय चाहिए, जितने भी अधिकारी हैं जो जेल में, वो सब गिरफ्तार होना चाहिए। इसमें जैसा कि बाल संप्रेषण गृह है खंडवा में, जो बच्चे विचाराधीन कैदी होते हैं उनको रखा जाता है, और उसमें एक छिपावड़ जिला हरदा का एक लड़का मोटरसाइकिल चोरी के उसमें था, दूसरा लड़का खंडवा का था जो मारपीट के मामले में था। दोनों में आज सुबह 8:30-9 बजे के आसपास किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ, और खंडवा के लड़के ने जो मारपीट का आरोपी था उसने वो चोरी वाले आरोपी को लात घूंसे से मारपीट किया, और लात घूंसे से मारपीट करने के बाद फिर वहाँ का जो चौकीदार था केयर टेकर उसने जाकर के उसको अलग अलग किया। फिर इसके कुछ देर बाद उस लड़के ने जिसको मारा था, पिटने वाला लड़का उल्टियां करने लगा, उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इसी दौरान जो मारने वाले लड़के ने आकर के जो बोर्ड था उस बोर्ड के कांच में उसने सिर मारा, उससे सिर में कुछ कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हाँ, इसमें मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है और अपर कलेक्टर उसमें जांच कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा भी जांच की जा रही है।